Hello everyone, welcome back to Groot Academy. My name is Namratha Dagora. So in today's video, we're going to discuss about the first chapter of the book First Flight for class 10th. And the title of the chapter is A Letter to God, which is written by G.L.Fuentes. So friends, ye jo kahani hai, iski setting Latin America mein ki gayi hai aur ye ek farmer ki kahani hai. तो फ्रेंड्स ये जो कहानी है ये बेसिकली उन लोगों के बारे में है जो कि अपने मन में बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी धारणा बना लेते हैं गलत सलत, जबकि रियल में वैसा नहीं होता है, बिल्कुल उसका उल्टा होता है। जैसे ये धारणा किसी धर्म को लेकर भी हो सकती है, किसी जाति को लेकर भी हो सकती है, या फिर पर्टिकुलरली कुछ लोगों के लिए भी हो सकती है। और इसी तरह से ये जो कहानी है इसका जो मेन कैरेक्टर है लेंचो, जो कि एक फार्मर है, किसान है, वो कुछ लोगों के लिए अपने मन में गलत धारणा बना लेता है, बट एक्चुअली वही लोग होते हैं जो उसको बिना बताए लास्ट में उसकी हेल्प करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में एक फार्मर होता है और उसका नाम होता है लेंचो। लेंचो अपने परिवार के साथ एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी के ऊपर, यानी कि टॉप ऑफ द हिल, उसके ऊपर रहता है। लेंचो का घर जो है एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी के ऊपर बना हुआ है और वो अपने परिवार के साथ वहाँ पर रहता है। उसके पास बहुत सारे खेत हैं। वो अपने खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करता है दिन रात और उसके बच्चे भी उसकी हेल्प करवाते हैं। और जितनी ऊंचाई पर उसका घर है वहाँ से उसके नदी, खेत और फूलों से भरे जो मैदान हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं। और उसके खेतों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसकी फसल बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो एक दिन तो वो अपनी नज़रें आसमान में ही गड़ाए रखता है क्योंकि उसके खेतों को बारिश की बड़ी ज़रूरत होती है। तो इसलिए फिर वो हर वक्त वो अपनी नज़रें नॉर्थ ईस्ट की तरफ गड़ाए रखता है, यानी कि उत्तर पूर्व में वो देखता रहता है आसमान में कि वहाँ से घने बादल आने की संभावना है और बारिश हो सकती है। तो वो कई देर तक देखता रहता है और अपनी वाइफ को कहता है, जो कि खाना बना रही होती है, डिनर बना रही होती है, तो वो कहता है कि आज तो लग रहा है कि बारिश होने वाली है, आज मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है बारिश हो सकती है। तो उसकी वाइफ बोलते हैं कि हाँ, अगर भगवान चाहे तो ज़रूर हो सकती है। तो फिर वो अपने काम में लगे रहते हैं और उसके जो बड़े बच्चे होते हैं वो तो खेतों में काम कर रहे होते हैं और छोटे वाले जो है वो खेल रहे होते हैं घर के बाहर। फिर थोड़ी देर में जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठते हैं सब लोग, तो बीच में ही बारिश जो है आना शुरू कर देती है। तो लेंचो बोलता है कि आज तो बारिश नहीं बल्कि पैसे बरस रहे हैं, मतलब क्योंकि अच्छी फसल होगी तो पैसे ही उनके आ जाएंगे ना। और पैसों को वो बोलते हैं पैसोस, PESOS। तो वो बोलता है कि आज तो बारिश नहीं बल्कि पैसे बरस रहे हैं। और वहाँ की जो करेंसी है लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की, और जैसे मैक्सिको हो गया और फिलीपींस के अंदर पैसोस नाम की करेंसी जो है चलती है। तो उस दिन वो कहता है कि पैसोस बरस रहे हैं। फिर वो बहुत सारी बारिश को देख के सेटिस्फाइड होता है, बहुत खुश होता है अपने खेतों में पानी भरा हुआ देखकर। उसको लगता है कि अब इस बार तो फसल जो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और फिर धीरे धीरे करके बारिश तेज़ होने लग जाती है, तो उसको लगता है कि अब तो बस ये रुक जाए तो ठीक है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा सब काम। फिर थोड़ी देर के अंदर ओले बरसने शुरू हो जाते हैं। ओले क्या होता है पता ही आपको, जो बर्फ़ की जो छोटी छोटी जो आइस बॉल्स है वो गिरने लग जाती है, ओले गिरने लग जाते हैं। तो इसलिए फिर उसको डर लगने लग जाता है। फिर वो प्रे करता है भगवान से कि अब तो ये बंद हो जाए बारिश और ओले तो ठीक रहेगा, नहीं तो मेरी सारी फसल ख़राब हो जाएगी। लेकिन वो बरसते ही जाते हैं ओले, और उसके बच्चे जो होते हैं छोटे वो तो उनको मज़ा आ रहा होता है और वो आइस बॉल्स कलेक्ट करने के लिए बाहर भागते हैं। लेकिन लेंचो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि जैसे ही बारिश रुकती है ना तो वो देखता है कि उसके खेत जो है पूरे के पूरे ओले से ऐसे भर चुके हैं। ऐसा लग रहा है उसको देख के कि उसके ऊपर नमक की बारिश हो गई हो। और एट लास्ट उसके खेत जो है कम्प्लीटली वाइट कलर के हो जाते हैं और उसकी सारी की सारी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है। फिर वो अपने बड़े बेटों के साथ जाकर के खेत में जाके देखता है, तो वो कहता है कि अगर इसके अंदर कोई जानवर जैसे टिड्डी वगैरह होती है वो लग जाती ना तो भी इतना नहीं खाती जितनी फसल हमारी इससे ख़राब हो गई है। अगर टिड्डी भी हमारी फसल खा जाती ना तो कुछ ना कुछ बच तो जाता हमारे पास खाने के लिए, लेकिन अब तो सारी की सारी ख़राब हो गई तो हमारे पास तो इस बार खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं वो सब लोग और सोचते हैं कि इस साल तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर वो जब घर जाता है तो उसके सारे घर के लोग जो है वो बोलते हैं कि अब तो भगवान ही हमारा सहारा है, अब
और हम क्या कर सकते हैं, हमारी फसल तो सारी खराब हो गई है। फिर लेंचो हालांकि खुद बहुत परेशान होता है, लेकिन अपने परिवार वालों को समझाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता, आप लोग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और उस रात, पूरी रात लेंचो सोता नहीं है, उसको नींद नहीं आती है, वो सारी रात उसी बात के बारे में सोचता रहता है कि भगवान जो है वही हमारी सहायता कर सकता है। क्योंकि हमारे बड़े हमसे हमेशा यही कहते हैं कि भगवान सब देख रहे हैं, वही सब करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा, ये सब मतलब भगवान को लेकर के हमारी सबकी सोच यही होती है। तो फिर उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि भगवान को पता है कि हम कैसे हैं और हमारे अंदर क्या चल रहा है, इनफैक्ट वो भी भगवान को पता होता है, तो हमारी सिचुएशन भी उनसे छुपी नहीं है। वो सोचता है कि भगवान को पता है कि मैं तो खुद बैलों की तरह काम करता हूँ। मतलब इस चैप्टर में लेंचो को क्या कहा गया है, इंसान के रूप में बैल कहा गया है, ओक्स कहा गया उसको, राइट। तो वो सोचता है कि भगवान को पता है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, बैलों की तरह दिन रात काम करता हूँ खेतों में, और अब तो भगवान को मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि वो पढ़ना लिखना भी जानता है, तो इसलिए फिर वो क्या करता है कि वो संडे को सुबह सुबह एक कॉपी पेन लेकर के और लंबा सा लेटर लिखना शुरू कर देता है भगवान को, और अपनी सारी की सारी सिचुएशन उसके अंदर लिख देता है कि किस तरह से वो अपने खेतों में मेहनत करता है सारे, और ओलों की वजह से उसकी सारी फसल ख़राब हो गई है। तो ये सारी बातें उसमें लिख करके और उसको बंद कर देता है। फिर वो पोस्ट ऑफिस जा करके वहाँ पर उस पर स्टैंप लगाता है और एनवेलप के ऊपर लिखता है अ लेटर टू गॉड, और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। फिर वो घर आ जाता है आराम से, और वहाँ पर जो पोस्टमैन होता है वो सभी के लेटर्स जैसे चेक करने के लिए निकालते ही हैं। तो जैसे ही वो भगवान वाला लेटर उसको मिलता है तो वो बड़ी ज़ोर से हंसता है और अपने बड़े वाले पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उसको दिखाता है। तो एक बार के लिए तो उसकी भी हंसी निकल जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी सीरियस हो जाता है और वो सोचता है कि इतना विश्वास, काश मुझे भी इतना विश्वास होता। वो सोचता है पोस्ट मास्टर कि इस इंसान का भरोसा टूटना नहीं चाहिए, इतना इनोसेंट है ये इंसान, तो इसका विश्वास टूटे ना, इसलिए हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो क्या करता है, अपने जो साथी कर्मचारी होते हैं उनको हेल्प के लिए बोलता है कि हमें इस इंसान की हेल्प करनी चाहिए जिसको इतना विश्वास है भगवान पर। तो थोड़े थोड़े करके वो लोग उसकी हेल्प करते हैं और वो पोस्ट मास्टर खुद भी अपनी सैलरी में से कुछ पैसों जो है उसके लिए इकट्ठे कर देता है, और टोटल मिला के उसके 70 पैसों जो है वो सब लोग इकट्ठे कर लेते हैं, और एक एनवेलप में वो 70 पैसों डाल करके और नीचे भगवान के सिग्नेचर करके भगवान लिख देता है और फिर वो पैक कर देता है उसको। फिर नेक्स्ट संडे बहुत जल्दी लेंचो पोस्ट ऑफिस आ जाता है अपने लेटर का रिप्लाई जानने के लिए, तो उसको वो लेटर पोस्टमैन खुद अपने हाथ से देता है और एक कोने से वो छुप के देख रहा होता है कि क्या रिएक्शन होता है इसका। तो फिर वो लेंचो जैसे ही वो एनवेलप खोलता है, 70 पैसों काउंट करता है, तो फिर उसको है ना ऐसे गुस्सा सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आता है उसको, और वो फटाफट जाके और एक और जैसे जहाँ पर सारे लोग लेटर लिखते हैं वहाँ जाके एक और लेटर लिखता है अपना गुस्सा दिखाने के लिए। वो जोर से स्टैम्प मारता है एनवेलप के ऊपर और उस एनवेलप को बंद करके वो वहाँ मेल बॉक्स में डाल के चला जाता है घर। फिर जो पोस्टमैन जो साइड में से छुप के देख रहा होता है उसको, तो जैसे ही लंच चला जाता है तो फिर आते ही वो उसका लेटर खोलता है और उस लेटर में जो लिखा होता है उसको देख के वो हैरान हो जाता है। उसमें लिखा होता है कि भगवान जी, आपने मुझे जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे ना उतने पैसे नहीं भेजे आपने, मेरे पास सिर्फ 70 पैसों पहुँचे हैं, मतलब मुझे सिर्फ 70 पैसों ही मिले हैं। मैंने तो आपसे 100 पैसों मांगे थे ताकि मेरी हेल्प हो सके, मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है, तो आप जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं ना वो भी मुझे प्लीज़ भेज दो, लेकिन इस बार है ना आप पोस्ट से मत भेजना मेरे को पैसे, इस बार आप मुझे किसी और ज़रिए से भेजना पैसे, क्योंकि यहाँ के जो पोस्टमैन है ना वो बहुत ही लालची हैं, बड़े बेईमान लोग हैं, अच्छे नहीं हैं ये, इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए होंगे, ये ठग भरे पड़े हैं यहाँ पर, तो इसलिए आप मुझे किसी और तरीके से पैसे भेजना। नीचे अपना नाम लिख देता है लेंचो। तो यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज देखा आपने किस तरह से लेंचो अनग्रेटफुल है, बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं है वो उन लोगों के लिए जिन्होंने उसकी इतनी हेल्प की जब वो बहुत ज़्यादा नीड में था, बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन में था, तब उन लोगों ने उसकी हेल्प करी, वो भी उसको बिना बताए। और उसको क्या लगता है कि ये सब तो उसके साथ इसलिए हुआ क्योंकि वो उसको डिजर्व करता था और ये होना ही था उसके साथ। अच्छा, भगवान एक विश्वास है, विश्वास करना अच्छी बात है भगवान पर, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए विश्वास भगवान पर, हम सभी को होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो इंसान
हमारे आसपास रहकर बिना हमें बताए हमारे पीछे से हमारे लिए इतना कुछ कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हम सीरियस से सीरियस प्रॉब्लम होती है उससे भी एक मिनट में निकल कर बाहर आ जाते हैं। तो हमें एहसान फरामोश नहीं बनना चाहिए बिल्कुल भी, उन इंसानों को हमें गलत तो बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। गलत फहमियाँ यही होती है जो अभी लंचों के मन में हो गई थी, और वो जानने की कोशिश भी नहीं करता कि भगवान जो है वो कैसे भेज सकते हैं, क्योंकि भगवान भी खुद धरती पर आकर हेल्प नहीं करते हैं, वो इंसानों को ही जरिया बनाते हैं, वो इंसानों को ही चुनते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। लंचों की लाइफ में तो वो पोस्टमैन और उसके साथी ही भगवान बन के आते हैं ना, तो इसलिए उसको उनका धन्यवाद करना चाहिए था क्योंकि उसको 70 पैसे तो मिले कम से कम। लेकिन हम इंसानों की आदत होती है कि हम उन चीज़ों के लिए रोते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। वो जो 30 पैसे उसके पास नहीं थे वो उसके लिए रोता रहता है, जबकि जो 70 पैसे उसके पास आ जाते हैं उसके लिए वो बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं है। तो ये थी स्टोरी आज की, आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घरों में रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।